हाय डिंपल, हाय लकी, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? एकदम मजा आ रहा है आप लोग को देखकर। बहुत ज़्यादा मेहनत आप लोगों की इस समय चल रही है। और डिंपल बताएं, क्या कुछ चल रहा है, किस चीज़ की तैयारी है? बेफा का हम लोग कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं, क्योंकि लखनऊ में होने वाला है। अब बहुत खास खास लोगों का होने वाला है परफॉर्मेंस, और मस्ती करेंगे आप लोग जाके, 26 को धमाल करेंगे। लकी से बात करते हैं। लकी, तो डिंपल को आपने किन किन गानों पर रिहर्सल करवाया है, किस पर परफॉर्मेंस है इनकी? ऑलरेडी ये 5 गाने का फ्यूजन है खेसारी लाल जी के ही, जो 2021-2022 में बहुत ही हिट गाने हैं, मेरे ही किए हुए हैं। और ये डिंपल जी की जब उनके लगेंगे तो आप भी देख लेंगे कि क्या होता है। थोड़ा वो 5 गाने भी बता दीजिए कौन कौन से हैं। 5 गाने धमाका हो यारा में, नाच के मलकीने, और यही 3-4-5 गाने हैं। वाह, मतलब सारे ही खेसारी जी के ब्लॉकबस्टर सॉन्ग। डिंपल, बहुत अहम सवाल जी। हाल ही में आप काफ़ी वायरल हुई, विवादों पर भी आप उभरी, लोग आपको ये तक कहने लगे कि कहीं ना कहीं आप पवन सिंह जी के टीम की हैं, और आप आज खेसारी लाल यादव जी के गानों पर परफॉर्मेंस करके सभी को चुप करा देंगी। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी उन लोगों से जो लोग कहता है कि हम लोग पवन सिंह के टीम हैं, खेसारी जी के टीम हैं, तो हम लोग आर्टिस्ट हैं और आर्टिस्ट सबके साथ काम कर रहा है। ऐसा नहीं, बंटवारा नहीं हुआ है कि हम पवन जी के ही साथ करेंगे, हम खेसारी जी के ही साथ करेंगे। वो कुछ लोगों का मेंटालिटी है जो बांट दिए हैं कि इनके साथ है तो उनके साथ है, क्यों, उन लोग भी तो भाईचारा करते हैं, उन लोग भी तो जाके मिलते हैं, उन लोगों से दोनों मिलते हैं ना। ऐसा नहीं है ना कि दुश्मनी निभाते हैं, दोनों में दुश्मनी निभाना है तो अच्छे से निभाए फिर, तब होता है ना बंटवारा। ऐसे बंटवारा नहीं है, लड़कियों में बंटवारा, लड़कियाँ काम करने जाएंगी तो दिक्कत है क्या? क्यों भाई, लड़की टैलेंट है हमारे अंदर। बिल्कुल। सो लकी, कितना मुश्किल हुआ डिंपल को नचाना और थिरकवाना अपनी उंगलियों पर? नहीं, ये ऑलरेडी एक अच्छी डांसर है, परफॉर्मर अच्छी, तो इनको इनको और जोया जी को कोई भी तकलीफ नहीं है नचाने और इसमें करने। हम एक्चुअली ऑल जो भी जितने भी आर्टिस्ट हैं सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। सुभी जी हैं, पाखी हेगड़े जी हैं, तो सब लोग बैठ के परफॉर्मेंस देखते हैं और बहुत सब लोग खुश भी हैं। आप और भी इंटरव्यूज देखेंगे सुभी जी के, पाखी जी के, वो लोग भी बहुत खुश है परफॉर्मेंस, ये रिहर्सल से, ये अवार्ड शो जो होने जा रहा है। मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि मैं इन लोगों को और इन लोगों के गानों पे अपना गाना मैं चिपका रहा हूँ, तो बैठा रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छी खुशी लग रही है, और मेरे थैंक्स टू मेरी टीम को, जो मेरे डांसर्स हैं, जो मेरे असिस्टेंट्स हैं, वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, कंटिन्यू 9 घंटे डांस कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चे सब, 9-11 बजे से आगे 6-7 बजे कंटिन्यू कर रहे हैं सब। हम लोग तो थोड़ा थोड़ा करके चले जाते हैं, लेकिन इन लोग बेचारे कंटिन्यू। तो डिंपल, कुछ बदलाव आया इस चीज में पिछले दिनों जो आपके साथ दुनिया भर की चीज़ें गई हैं, कितने लोग समर्थन में उतरे, या बायोकोट की गई, या लोगों ने बातचीत करना बंद किया, या बहुत ज़्यादा करीब आए? नहीं, मैं किसी को करीब बुलाना चाहूँगी, और कोई मेरे से नफरत भी करता तो बड़ा खुशी होता, मैं तो चाहती हूँ सब मेरे से नफरत करें, क्योंकि मुझे खुद पे भरोसा है, कोई इधर भागे उधर भागे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अकेले काम है। बिल्कुल बिल्कुल। लकी, एक सवाल आखिरी आपसे, इस अवार्ड में सुना है खेसारी जी सनी लियोनी के साथ परफॉर्मेंस करने वाले हैं। सनी लियोनी भी आ रही हैं परफॉर्मेंस करने के लिए, बट अब ये खुलासा हम स्टेज पे करेंगे, कैमरे पे नहीं। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू।